हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। और जैसे कि बहुत टाइम से बहुत मेरे मतलब बहुत फ्रेंड्स, बहुत ही हमारे जूनियर्स और हमारे भाई लोग जितने भी पूरे इंडिया में हैं, कहीं ना कहीं से मुझे मैसेज आता था कि मतलब भाई तू कैसा था और कैसा हो गया। 2 साल पहले मैं कुछ ऐसे कंडीशन पे था जो आप इधर फोटो में देख सकते हो, और आज के टाइम में जब मैंने पिछला शूट किया था एक ब्रांड के लिए, तो मैं ऐसी फिजिक पे था और डे बाय डे मैं ग्रो भी कर रहा हूँ। तो आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे किया। मैं एक लोअर मिडिल क्लास बॉय हूँ और मैंने बहुत सारे पैसे ना लगा के मैंने बहुत कम पैसों में अपनी बॉडी बनाई, और उसके बाद मैंने बॉडी से ही पैसे कमा के फिर बॉडी पे लगा रहा हूँ। तो ये हर एक मिडिल क्लास का एम भी होता है। जो स्कूल में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, उन लोगों के पास भी बहुत पैसे नहीं रहते कि वो बॉडी में पैसे लगा पाए। तो उसी के लिए आज का हमारा वीडियो है कि लो बजट में कैसे अपने बॉडी को डे बाय डे ग्रो करें और एक एस्थेटिक लुक में लेके जाए। तो चलो हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो मेरे भाई 50 kg, 40 kg, 30 के भी लोग मेरे जिम में, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो एक बॉय है जो 35 kg का है और एक गर्ल है जो 35 something kg की है, 35 भी नहीं बोल सकते, 30 kg पे मेरे साथ ज्वाइन हुई है। तो मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया कि मैं भी जब स्टार्ट किया था तो 45 kg का था, और मैंने 45 से लेकर के लीन बॉडी को 70 तक लेके गया, और अभी मेरा बॉडी वेट 78 है। तो ये मैं कैसे किया 2 सालों में, मैं वो आपको बताऊंगा, और कैसे आप लोग करोगे वो भी बताऊंगा बहुत ही कम पैसों में। क्योंकि मेरे पास जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास सिर्फ मंथ के जिम फीस टोटल 500 होते थे, मेरे पास आता था 400। मैंने वहां से चालू किया था, मैंने दूध रोटी खा के बॉडी बनाई थी। मैं जानता हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ, जैसे मैंने बॉडी अपनी खुद की चेंज की घर के खानों से, वो सब कुछ बताऊंगा जिससे एक बंदा यहाँ से यहाँ आया तो वो कैसे आया। अब मैं बात करूंगा कि आज से आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि आज ही वो दिन है। आप जिम जाओ, ज्वाइन करो सिर्फ जिम फीस, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि फैंसी जिम ज्वाइन करो, कोई भी जिम हो, कैसा भी जिम हो, जिसमें सिर्फ इतने मशीन्स हो जिसमें हर बॉडी पार्ट का 2 एक्सरसाइज डंबल और बारबेल होने चाहिए। तो जब आप जिम जाओगे तो अब आपको करना क्या है, जिम से आओगे तो खाना क्या है, ये सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ और मैंने भी अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है। बट हाँ, मैंने जो 2 साल दिया ना इस बॉडी बिल्डिंग करियर को, इसमें अपना 100% दिया, और मैंने जो भी अपने गुरु अपने बड़ों से सीखा है वो अपने दिमाग में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाया। और मैंने एक अभी जाके सबसे बड़ी बात, अभी मैं एक कोर्स कर रहा हूँ जो इंडिया का नंबर 1 स्कूल है, उससे मैं फिटनेस साइंस का पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अभी मेरे प्रैक्टिकल्स बचे हुए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ। मेरे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे ना तो उसके बाद मैं सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाऊँगा, तो उसके बाद आप लोगों को मैं A to Z सब सिखाऊंगा कि कैसे कौन सा एक्सरसाइज कब करना है कब नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं पूरा ट्रेन नहीं हुआ हूँ उतना ट्रेनिंग देने के लिए। तो चलो हम लोग आगे बात करते हैं। तो ट्रेनिंग में तो मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आज सिर्फ मैं ये बताने वाला हूँ कि हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे जिम जाएंगे, और खाने के लिए हमें चाहिए क्या। क्योंकि जिम जाने से पहले ना गाइस, इतना तो है कि खाना क्या ये पता होना चाहिए, क्योंकि जिम चले गए और फिर जिम से आ गए, जिम जाने से कभी बॉडी नहीं बनती है। मेरे को याद है मैंने खाना अपना स्टार्ट किया था, 2 रोटी सिर्फ खाता था, 2 रोटी। रोटी से बॉडी नहीं बनती मैं ये बोलूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ था ना और यहाँ तक आने में मुझे रोटी दूध मतलब बहुत ऐसे घर के चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ कि आज के टाइम में आप वे प्रोटीन लो, लेकिन इफ़ यू हैव नॉट इनफ बजट देन गो फॉर दाल रोटी मीठा। जब आप पतले हो तो ये सब कुछ खाओ और बॉडी इससे ज़रूर बनेगी, मैं गारंटेड बोलता हूँ, और आप लोगों की भी बनवाऊंगा, ये एकदम गारंटी है। अब 6 महीने मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि बॉडी 1-2 महीने में नहीं बनती है। 6 महीने जुड़े रहो, एक एस्थेटिक लुक अगर आप लोगों को नहीं दिलवाया तो फिर आप मेरे को मतलब जो बोलना, जो बोल सकते हो, जो कर सकते हो सब करना, लेकिन 6 महीने एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी के लिए आपको देना पड़ेगा। ये नहीं बोलूंगा 6 महीने में बॉडी बनवा दूंगा, लेकिन ऐसी रहेगी, जब आप कपड़े भी खोलोगे ना तो आप अच्छे दिखोगे, कपड़े भी पहनोगे तो आप अच्छे दिखोगे, कहीं जाओगे तो लोग तारीफ करेंगे कि
भाई तू क्या था और क्या हो गया, ये जज्बा मुझ में है क्यों, मैंने खुद को चेंज किया है। मैं कभी नहीं बोलूंगा मैंने इसको कराया उसको कराया दीज, मैंने खुद को चेंज किया, मैं जानता हूँ मैंने कैसे किया है। तो चलो मैं सारा कुछ बताता हूँ अभी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है क्यों खाना है ये सब बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को जिम तो ज्वाइन जरूर करना है। तो जिम ज्वाइन करने के बाद मैं आप लोगों को मील वन से बताऊंगा कि क्या खाना है। सुबह उठ के हमें वार्म वाटर पीना है, सुषुम पानी जिसे बोलते हैं, वो पीने के बाद आप फ्रेश हो जाना। फ्रेश होने के बाद अगर आप मॉर्निंग में जिम करते हो तो आप सबसे अच्छा मील मैं आपको बताऊंगा, दूध सबके घर में होता है, पीनट बटर आप परचेस कर सकते हो तो करना, अगर नहीं कर सकते तो कोई सुनी है, आप पीनट को घर में लाके ग्राइंडर में उसको बस वो ग्राइंड कर लेना, वो उसमें आपको पीनट बटर का काम कर जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा ओट्स डाल लेना, अगर आप परचेस कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है कि ओट्स लेना होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर उसमें डालना दो केले तो डालने पड़ेंगे, केले ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। आप क्योंकि आप सुबह में जिम जा रहे हो ना तो आपको थोड़े से कार्ब्स चाहिए रहेंगे अच्छे, जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके, और बनाना ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। बनाना ले लेना, ओट्स ऑप्शनल है, अगर पैसे हैं तो जरूर लेना। मैं उन लोगों का बात करूं जिनके पास एक रुपये नहीं है एक्स्ट्रे और वो सिर्फ जिम का पैसा निकाल पा रहे हैं, वो भी कैसे निकाल रहे वो जानते होंगे, मैं जानता था उस टाइम में। तो बस 400, 500, 300 जैसे भी जिम मिले आप ज्वाइन कर लो, और उसके बाद सिर्फ घर के खाने से बॉडी बनवाऊंगा, घर के खाने से। पीनट होता है घर में, बस उसे ग्राइंड कर लेना, वो भूजा हुआ पीनट ही है, वो पीनट, पीनट को भूज लेना उसके बाद ग्राइंड कर लेना, उसी में पीनट हो गया, बनाना हो गया, हनी होता ही है घर में होता है सबके, हनी डाल लेना, थोड़ा सा दूध डालना, थोड़ा सा पानी डालना, ज्यादा दूध मत डालना। इसका भी एक रीजन है, ज्यादा दूध डालोगे तो वर्कआउट करने वाले हो तो दूध जल्दी डाइजेस्ट नहीं होने वाला हो, इतने सारे चीजों में दूध में अगर शेक पियोगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, होगा लेकिन लेट्स होगा। बट हाँ थोड़ा सा दूध रख लेना, पानी रख लेना, क्योंकि जिम करना है तो डाइजेस्ट जल्दी हो सके, जिम जाने से एक घंटे पहले ये मील ले लेना। हाँ अगर आप इवनिंग में जाते हो तो ये मील आप दूध से बनाना, एकदम बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। अब जब आप ये मील ले लोगे, मैं ये सारा कुछ आपको लास्ट में लिख के अभी दिखा दूंगा, बाजू में रहेगा क्या क्या लेना है, ये सारा कुछ उसमें रहेगा। सो गाइस पहला मील के बारे में तो आप समझ गए, पहले मील में क्या लेना है आप लोगों को, शेक लेना है, और जब आप लोग शेक ले लोगे तो फिर जिम जाना, और जिम बहुत ही प्यारा करना, डेढ़ घंटे का सेशन करना, आधा घंटा कार्डियो करना, एक घंटा वेट ट्रेनिंग करना। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ही हाई इंटेंसिटी रखना, नहीं, मॉडरेट रखना, जिसमें आप कंफर्टेबली हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से सीख पा रहे, ये नहीं बोलूंगा अच्छा पाउंडेज होगा, नहीं, अच्छे से सीख पा रहे, आपका फॉर्म एंड टेक्निक सही होना चाहिए। इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप मशीन ट्राई करना, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप मशीन को प्रॉपरली कर पाओगे ना तो बाद में बेंच पे आने पे आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो ये हमारा बात हो गया मॉर्निंग मील का, जो हमारा प्री वर्कआउट मील रहेगा। उसके बाद हम लोग जब जिम से आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पोस्ट वर्कआउट मील, जिसमें हम कोई सप्लीमेंट्स तो नहीं ले पाएंगे, तो उसमें हम ऐड क्या करेंगे, हम ऐड करने वाले हैं 6 एग। अगर आपके पास पैसे नहीं है, मुझे पता है कि लोअर मिडिल क्लास के पास इतने अफोर्ड नहीं कर पाए 6 अंडे ना, तो आप 4 नहीं तो 3, जितने भी घर वाले आप लोगों को प्रोवाइड कर पाए कैसे उतने ही अंडे लेना, 3 नहीं हो सके तो 2, लेकिन हाँ अगर सिर्फ 2 अंडे खा रहे हो तो होल एग खाना, जिसमें आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, नहीं तो 3 खा रहे हो तो 2 होल एग 1 वाइट। वैसे आप बढ़ाते चले जाना, अगर डे बाई डे आपका अच्छा हो रहा है तो आप जितना अफोर्ड कर पाओगे उतना बनाना जरूर। फिर वहां पे आपको शेक बना के रखना, जो आप मॉर्निंग में पिए थे वो आप दूध में बना सकते हो, थोड़ा सा पानी डाल लेना, सेम इंग्रेडिएंट्स उसमें भी रहेंगे, क्योंकि गेनिंग करने में आपको वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे किधर, तो ब्रंच मील पे। अब ये ब्रंच मील होता क्या है, लाइक ब्रेकफास्ट और लंच मील को जोड़ के बनाया गया है ब्रंच, जो हम बोलते हैं मॉर्निंग स्नैक्स। ऐसे तो मतलब समझो कि आप 11 बजे के करीब का वो जो मील है उसका मैं बात कर रहा हूँ, 11, 11:30, 12 बस। अगर कुछ लोग 12 बजे खाना ही खा लेते हैं तो थोड़ा ट्राई करना कि आप 2 बजे खाओ, क्योंकि जो मील्स है ना, आप लोगों को कम से कम 6-7 मील्स लेने होंगे, तो टाइम थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ाना होगा। तो आप उस टाइम क्या करना, चने, मूंग, अनार, किशमिश, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा घर में, सबके पास चना मूंग तो होता है अवेलेबल, फुला के रखना सुबह उसको,
मिला के लेमन वेमन डाल के जो भी फ्रूट्स हो उसको डाल के खाना जरूर। उधर से हम लोग किधर जाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे लंच मील पे। लंच मील में क्या लेंगे हम लोग सबसे पहले दाल लेंगे, चावल लेंगे, जो भी सब्जी होगी घर में, तेल में बनी हो कुछ भी, क्योंकि भाई इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि हर चीज घी में खाएं या कोकोनट ऑयल में खाएं। बेस्ट है कोकोनट ऑयल अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो, लेकिन भाई मिडिल क्लास 1300 प्रति लीटर वाला ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब तेल में खाना जो भी घर में बन रहा है, बस ध्यान रखना बाहर का कुछ नहीं खाना आप लोगों को। लंच में मैं बताता हूँ, पहले आप दाल ले लेना, चावल ले लेना, जो भी सब्जी बनी हो ट्राई करना, चिकन हो सके, अंडे हो सके, राजमा हो सके, पनीर हो सके, सोयाबीन हो सके। सोयाबीन तो बहुत चीप होता है, आप 10 रुपये में खरीद के जो पैकेट मिलता है वो खा लोगे, आपका 15 से 20 ग्राम प्रोटीन कहीं नहीं गया है। आप समझ रहे हो कितना हाई अमाउंट है। लेकिन इसको आपको पोस्ट वर्कआउट मील में नहीं करना है, क्योंकि सोयाबीन डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, और सबसे तेज डाइजेस्ट होता है तो वो एक वाइट होता है, तो आप ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं बोला हूं स्टार्टिंग में ही कौन सा मील कब खाना ये बताऊंगा, क्या खाना ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या खाना ये बताने पे ना कोई मतलब नहीं होता है। जब विकेट गिरती है तब कौन से बैट्समैन को जाना चाहिए ग्राउंड में, सही डिसीजन एक कैप्टन लेता है, एक कोच लेता है। तो वही बात है, सही टाइम पे क्या सही खाना है ये आपको डिसाइड करना, और मैं बताऊंगा क्या होना चाहिए। तो लंच में आप लोगों को सोयाबीन ये सब जो भी अपना मिल गया, सैलेड वैलेड मिली तो सही है, नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, दही मिला तो सही है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इवनिंग स्नैक्स पे। इवनिंग स्नैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लोग बहुत अवॉइड कर देते हैं। उस टाइम सोचते हैं हम समोसा खा लेते, कुछ खा लेते, वही मील होता है जो आपको है ना लंच और डिनर के बीच में एक अच्छा अमाउंट ऑफ फूड जाता है, जिससे आप यहाँ से यहाँ मतलब लंच से डिनर तक के बीच में फुलफिल रहते हो, क्योंकि लंच और डिनर ही के बीच में बहुत लंबा गैप होता है, अप्रॉक्स आपको 6 आवर्स 7 आवर्स का गैप रहता है, समझ लो। उसमें आपको क्या खाना है मैं बताता हूँ। पीनट बटर ब्राउन ब्रेड, एक ये ऑप्शन है केला डाल के, नहीं तो रोटी होती है सबके घर में, रोटी पीनट बटर बनाना ये खा सकते हो, नहीं तो आप खा सकते हो दूध रोटी खा सकते हो, नहीं तो फिर से आप शेक पी लेना। शेक तो पीते रहे हो, शेक आप 2 बार 3 बार जितने बार आपको हो सके पियो, लिक्विड फॉर्म में रहता है, जल्दी डाइजेस्ट होगा, एंड आपको बर्डन नहीं आएगा कि खाने में जो टाइम लगता है शेक आप तुरंत पी लोगे। मैं आप ये ध्यान रखना, कभी भी अपने घर से बाहर निकलो ना तो कुछ खा के निकलना, कुछ भी खा लेना, पीनट इतने डाल लेना बॉडी में, या फिर कुछ भी आपको घर से निकले रोटी कुछ भी खा के निकलना। ये आदत जो आप कर लोगे ना तो आप चेंज होने में कोई नहीं रोक सकता है। मैंने भी ये कहता, घर से निकलो तो कुछ खाते हुए निकलो, बाहर भूख नहीं लगेगी, बाहर का कुछ कचरा नहीं खाओगे, घर पे आओगे तो कुछ खा लेना, उससे क्या होगा टाइम जो आपका बाहर गया वो वेस्ट टाइप का भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके तो सारे मील्स हो रहे हैं, उधर ज्यादा भी टाइम लग गया तो तुम तो खा के गए थे, आके खा लिए, एकदम बेस्ट है। और अब हम बात करने वाले डिनर मील के बारे में, जो डिनर मील सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि रात में आप क्या खा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, वही आपको चेंज करने में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि डिनर में क्या खा रहे हो सोगे, रिकवरी वही देने वाला बहुत अच्छा। तो उसमें आपको क्या क्या रखना मैं ये बताता हूँ। उसमें आप रख लेना रोटी या चावल जो भी हो, रोटी चावल, सोयाबीन ट्राई करना, पनीर ट्राई करना, चिकन ट्राई करना, एग ट्राई करना, चारों में से, या राजमा हो गया, छोला हो गया, जो भी मिले आप ये जरूर रखना अपने मील में चावल रोटी के साथ। उसके बाद आपको कोई भी सब्जी है वो ले लेना, सैलेड ले लेना ऑप्शनल है, दही है मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि ठंडी है, दही का मैं बताऊंगा नहीं। उसमें इतना कुछ खाना, वाटर इंटेक अच्छा रखना, आपको देखो चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इतने करने के बाद चेंज ही ना हुए तो आपको जो बोलना होगा जो करना होगा वो कर सकते हो, लेकिन हाँ चेंज हो गए ना तो बस भाई को सब्सक्राइब करके जाना, और मुझे ये पूरा भरोसा कि मैं आप लोगों को चेंज करूंगा, और मुझे इसलिए भरोसा है कि मैंने किसी को मतलब देखा नहीं है, खुद को चेंज किया है, तो मुझे बिलीव है कि एक बंदा यहां से यहां कैसे गया है, वही चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज से 6 महीने जुड़ जाओ, 1 महीने में आपको चेंजिंग दिखने लगेंगे, और 6 महीने में आप में ऐसे चेंजेस दिखेंगे कि लोग आपको बोलेंगे भाई तूने किया क्या है, अलग वाइब आ रहा है, मुझे पता है कि मैं आप लोगों को चेंज करने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़ जाओ और अपनी बॉडी चेंज करो, मतलब कुछ भी पैसे खर्च नहीं करके अपनी बॉडी कैसे चेंज करनी। लेकिन हाँ इसमें भी एक बात आता है कि जो हॉस्टल में रहते हैं उनका क्या, उनको तो कुछ करना होगा, तो एक कमेंट करो कि हॉस्टल वाले कितने मेरे भाई लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए भी बहुत प्यारा वीडियो निकालने वाला, कि
क्योंकि मैं जो बीच में मुंबई गया था तो मैं 2 महीने अपने फ्रेंड के पास रुका था जो मेरे हॉस्टल लाइफ की तरह थी। तो उसमें मैंने क्या क्या किया था मैं वो जरूर बताऊंगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक करके जाना, एक कमेंट करना। आप लोगों को ढेर सारा प्यार। बाय, लव यू ऑल। बॉडी मैंने बनाई है दूध रोटी रखना, दूध रोटी। Yeah, all day.